2018 में काबिज हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसने किसानों के सपने तोड़े और बड़ा पाप किया, नौजवानों के सपने तोड़े, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर और बेरोजगारी भत्ते के नाम पे ठगा तो ठगा, लेकिन कोर्ट में खाज का काम हुआ कि लगातार एक के बाद जिस तरीके से राजस्थान में संगठित नकल का माफिया पनपा और उसके बाद जो पर्चे लीक हुए और उन पर्चों में जिस तरीके का राजनीतिक संरक्षण ये कहा गया, लगातार उसी घटना में एक किस्सा और जुड़ गया। जब सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा का पर्चा पहले लीक हो जाता है, अशोक गहलोत सरकार को, कांग्रेस पार्टी को शायद इल्म नहीं है कि उन्होंने कितने राजस्थान के नौजवानों के सपने तोड़े। वो 70 लाख बच्चे परीक्षा जिन्होंने दी, 1 लाख को रोजगार दिया, 69 लाख बच्चों के सपने को तोड़ने का काम ये पर्चे लीक बराबर करते हैं। उस फहरिस्त में एक काम और जुड़ गया। जी हाँ, पर्चा तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है, और मुझे लगता है कि सरकार वीक, पर्चा लीक और 2023 में नौजवान करेगा इस सरकार की अकल ठीक। मुझे लगता है कि अभी यदि गैरत और ईमान है तो सरकार को इस बारे में प्रायश्चित करना चाहिए, एक व्हाइट पेपर पब्लिश करना चाहिए कि किस तरीके से लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये पर्चे लीक हुए, इसमें जितने लोग दोषी हैं।